पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वहां से आजमगढ़ भी जाएंगे और आजमगढ़ में आज एयरपोर्ट की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले। और न सिर्फ आजमगढ़ बल्कि 10 और ऐसे एयरपोर्ट हैं जिसका लोकार्पण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। पीएम मोदी सरकार का मकसद यही है कि रीजनल कनेक्टिविटी और बढ़े। पीएम मोदी वाराणसी दौरे पर हैं। वाराणसी से पीएम मोदी आज आजमगढ़ जाएंगे जहां वो कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी का आज के दिन का क्या कार्यक्रम रहने वाला है, वो इस दौरान आजमगढ़ यूपी के साथ देशवासियों को क्या क्या सौगात देने वाले हैं वो भी जान लीजिए। पीएम मोदी आज दोपहर 12 बजे आजमगढ़ जाएंगे, आजमगढ़ एयरपोर्ट पर लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी यहां जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आजमगढ़ से ही देश भर में 10 एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लखनऊ एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। आईजीआई एयरपोर्ट पर बने नए इंटीग्रेट टर्मिनल का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद दोपहर 2:15 बजे वापस वाराणसी आएंगे। वाराणसी एयरपोर्ट लाउंज से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छत्तीसगढ़ के महतारी वंदन योजना का शुभारंभ करेंगे। दोपहर करीब 3:15 बजे पीएम मोदी वाराणसी से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के मकसद से नए एयरपोर्ट्स को लेकर मोदी सरकार तेजी से काम कर रही है और यही वजह है कि आज पीएम मोदी आजमगढ़ से देश को 10 हवाई अड्डों की सौगात देंगे जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।